देश भर में चल रहे CAA, NRC और NPR के विरोध के चलते गोगांव में भी शुक्रवार को विभिन्न संगठनों की उपस्थिति में मुस्लिम समाज ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गोगांव में सैकड़ों की तादाद में रैली के रूप में मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने तहसील कार्यालय पहुंचे। बताया गया कि इस कानून के बनने से देश में एक तरह का भूचाल सा आ गया है। तहसील ग्राउंड में मैदान पर लगे मंच से आदिवासी नेता सिकराम पिकलसी द्वारा संबोधित करते हुए कहा कि यह देश की जनता में जहर घोलने का काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री को युवाओं को रोजगार देने की चिंता नहीं, यहाँ देश में दो धर्मों को बांटने की विचारधारा चल रही है। भिकन गांव से आए कमल सिंह निहाले ने भी अपने ओजस्वी भाषण में संबोधित करते हुए काले कानून को खूब कोसा और शंकर निहाले, विजय कोचले, इदरीस नूरी, एजाज बाबा, यासिर पठान खरगोन ने भी रैली को संबोधित किया। उक्त रैली में लोग हाथों में तख्तियाँ और तिरंगा झंडा लेकर चल रहे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन मय बल के साथ मौजूद था। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। नमस्कार, आपके द्वारा प्रेषित ज्ञापन में विधिवत माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने का कष्ट कर धन्यवाद। हम भी दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो उन्होंने जिस कानून के तहत की, तुम भी उस कानून के तहत क्यों नहीं देते? तुम्हें CAA की क्या जरूरत है? तुम कहते हो कि मुसलमानों 2004 के 14 के बाद 500 से ज्यादा मुसलमानों को, विदेशी मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी गई। जब ऐसा कानून है कि मुसलमानों को भी नागरिकता दी जा सकती है, हमारे बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था दी है कि हम धार्मिक रूप से बाहर से आए हुए प्रताड़ित लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए, ये हम भी मानते हैं। हम तो दो आधार पर चलने वाले लोग हैं और उसे कभी नहीं हटते। हमारा बेसिक आधार है इंसान और इंसानियत, इस पर ही चलते हम। और इंसानियत का तकाजा है, अगर कभी हमारे किसी नापाक पड़ोसी मुल्क में हमारे किसी हिंदू भाई पर जुल्म हो रहा हो, प्रताड़ना हो रहा हो, तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन आप पाकिस्तान के लोगों की तो सोच रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों की कौन सोचेगा? आप सरकार में आप कोई हिंदुस्तान के लोगों के बारे में सोच रहा है? और मेरे बहुत सारे वरिष्ठ वक्तागण यहाँ मौजूद हैं, मैं बहुत ज्यादा अपनी बात नहीं कहूँगा, लेकिन आप इस बात का ख्याल रखें कि CAA के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं और वो दिन जरूर आएगा जब सरकार को भारतवासियों के सम्मान के आगे झुकना पड़ेगा। तो हमें शांतिपूर्ण ढंग से, हम अमन पसंद कौन है, हमें अमन और सलामती के साथ ही हमारे सारे विरोध दर्ज करवाना है और हम करवाते रहेंगे। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो अमन और शांति के साथ हम बार बार इसके बाद अगर कोई काला कानून आता है तो उसके खिलाफ विरोध दर्ज करेंगे। आज गोगांव में CAA के खिलाफ धरना सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें गोगांव, शाहपुरा, अदलपुरा और आसपास के क्षेत्रों के कई लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने इसमें उपस्थिति दर्ज करवाई और सभी वर्ग समुदाय के लोग, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए मंच से और इस CAA के काले कानून के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। क्या नाम लिखते हैं? इदरीस नूरी। कहाँ के रहने वाले? गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW 24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देख